इसकी आंख में अलग ही चील है अंडे जैसा। ये पाकिस्तानी गोल्डन है, ये अलग ही पांचक कबूतर है। और नीचे में देखिए, यहाँ पे इनके घर के पट्टे कबूतर है, देखिए मुमिया चोज है और अलग ही इसकी आंख है, आंख में अलग ही रिंग दिख रही है इसके। क्वालिटी देखो, ऐसे कबूतर का स्ट्रक्चर ही नहीं मिलता देखने को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग पिजेंटी। हमारे एक सब्सक्राइबर है तो दोस्तों उनके घर पे हमें जाना है अभी दोस्तों सुबह का टाइम है और अभी अपने सभी के सभी कबूतर बंद है। दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम जहाँ पे हमको आना था, ये दोस्तों बिल्डिंग है, यहाँ पे दोस्तों हमको जाना है जल्दी दोस्तों ऊपर में। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक पीढ़ी है, इधर में बहुत बड़ा लॉफ्ट है और लॉफ्ट ऐसा भी नहीं खाली है, बोलो बहुत कबूतर लॉफ्ट में। ये एक लॉफ्ट है, ये एक पीढ़ी है कबूतर की और इसमें दोस्तों पूरे नस्ल वाले कबूतर है, देख सकते हैं आप। वैसे दोस्तों भैया खोल के दिखा देंगे उनके यहाँ कबूतर, अभी दोस्तों जिनके कबूतर है वो नीचे गए, ये देखिए इसके अंदर पूरे नस्ल वाले कबूतर है और पूरे बड़े बड़े कबूतर है, मतलब जिनके वो बच्चे बना के सेल करते हैं वो कबूतर इसके अंदर रखे हैं। और अभी हम दोस्तों उधर के भी कबूतर देख लेते हैं, ये देखिए ये मेरे हाइट से भी ज़्यादा बड़ी पीढ़ी है, इसके अंदर पूरे बड़े बड़े जोड़े रखे हैं, जैसे रामपुरी हो गए, शाहजहानपुरी हो गए, सहारनपुरी हो गए, कलसुरी हो गए, बड़े बड़े कबूतर यहाँ पर रखे हैं और कुछ सिंगल कबूतर भी है। और ये लॉफ्ट है, इसके अंदर देखिए आप, इसके अंदर आपको मोडीना मिलेंगे और फैंसी कबूतर है, कल्चरे कबूतर है, दोबाज कबूतर है, ये सेटी नेट बट है, ये सेटी नेट कबूतर है, ये देखिए दोबाज कबूतर है, गिरेबाज कबूतर है और वो देखो वहाँ पे फैंसी कबूतर बैठा लाल वाला, ये अलग ही पांचक कबूतर है। और नीचे में देखिए यहाँ पे इनके घर के पट्टे कबूतर है, यहाँ पे गलसीला कबूतर है। वैसे जब हम इसके अंदर में जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। दोस्तों जब भी तनवीर भाई ऐसी लॉफ्ट के पास आते हैं ना तो उनको सीख शुरू हो जाती है। तनवीर भाई बड़े बड़े कबूतर है इसमें, ये शायद डब वाला कबूतर है पिलंग का, इनका जो सेटअप है ना वो मुझे बहुत मस्त लगा। ये मेरी हाइट से भी ज़्यादा बड़ी पीढ़ी है और इसके अंदर बहुत सारे कबूतर हैं और तकरीबन इसके अंदर गाले भी होंगे कुछ 50 गाले होंगे, गिन लेना। आओ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 4, 5, 6, 30 गाले, 30 गाले। और ये एकदम अलग ही कबूतर, बड़े बड़े कबूतर है। एक हैदराबादी कबूतर है मेरे हिसाब से, नीला, देखो नीला कबूतर है ना, तनवीर हाँ नीला है दोस्तों, ये नीला कबूतर देखिए और ये पट्टा कबूतर है मेरे हिसाब से। ये कबूतरी मस्त लग रहा है वाला, ये वाला, ये वो है, ये राजस्थानी बाजरा नहीं, टोप वाले बाजरा कबूतर है। इधर में एक दरवाजा है, एक दरवाजा है, दो दरवाजे हैं। बाकी ब्रीडिंग सेटअप जो है इनका वो ये साइड में और ये एक साइड में। कबूतर रामपुरी काली चोच है, सफेद आगे इसकी, ये ब्रीडर जोड़ा है। पेटी के अंदर में पूरे बच्चे बच्चे, नीचे बच्चे, ऊपर में बच्चे, इधर बच्चे, कितने होंगे फिर पूरे मिला कबूतर? 200 प्लस। और बच्चे कितने बनाते आप हर बार? कम से कम मेरे एक सीजन में कम से कम 100 से 150 बच्चे निकलते हैं। एक महीने में? महीने नहीं, एक सीजन में, मतलब 3 महीने में। 3 महीने में 100 बच्चे, 150 से ऊपर ही बच्चे निकलते। अभी कम से कम नहीं होंगे 40 बच्चे तो कल तेरे पेटी के अंदर ही होंगे, गिन सकते हो। हाँ, पूरे उड़ाने के हिसाब से। ये देखो ये तैयार हो गए, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन में बाहर आ जाएंगे, ये 8 दिन में बाहर आ जाएंगे। और मादियों ने फिर से अंडे दिए ना? हाँ, वो तो कंटिन्यू चलते रहता है ये अपने काटने के। बच्चे बच्चे इधर में, ये नीचे ये बच्चे, ये ऊपर बच्चे, ये तो पूरे बड़े हो चुके हैं। ये बच्चे निकलने लग गए बाहर, ये धीरा बच्चे है ना, ये जो है ना ये रामपुरी में से निकला हुआ बच्चा है, वो कलर उसने ऐसा लिया है, हाँ, लेकिन ये है रामपुरी ओरिजिनल। अच्छा, बहुत सही दिख रहे हैं साहब, में पूरे बच्चे बच्चे। ये ब्रीडिंग सेटअप है ना आपका, ये वाला पूरा, ये ब्रीडिंग सेटअप है दोनों भी, ये ऊपर बच्चे हैं, बच्चे की क्वालिटी है देखो,
बहुत ही मस्त बने सफेद चोंच का। काले नाखून और सफेद चोंच। इसके माँ कौन से? दोस्तों देखिए लॉक खुल दिए ये वाला और वो वाला भी लॉक खुल दिए। हाँ ये हाँ तो अब अभी पेटियों में से बाहर आए हैं ना? ये सब पेटियों से बाहर आ गए, सबके ट्रेडिंग चालू है। बहुत ज्यादा कबूतर है तो इतने बड़े बड़े पट्टे आप बाहर भी बेचते हो ना? हाँ, अंबल से साइज देखो उसका, ये वाला बहुत मोटा था ना। हाँ देखो उसका साइज अंबल सरा का, बहुत मस्त है। ऐसे में तो कोई नया कबूतर पे आके बैठता हूँ तो पता चलता, दिन भर खुले रहते ऐसे कैसे बंद करते। दोस्तों आपको अभी ये गुलाब सिरे कबूतर दिखाएंगे। ये गुलाब सिरे कबूतर, ये ओरिजिनल राजस्थान की कम से कम 50 से 100 साल पुरानी ब्रीड होगी। क्वालिटी देखो, ऐसे कबूतर का स्ट्रक्चर ही नहीं मिलता देखने को। आग में अलग ही रहेंगे इसके। हाँ, फिरोज कलर का, पर तो कैच में है। हाँ, ये तो हाँ ब्रीडिंग का है ना। ये नर है? ये नर है। ये इसके पंजे, ये देखो वैसे ही जैसे चोच है ना, गुलाबी टाइप के। हाँ। फूल टाइप के गुलाब के वैसे ही उसके नाखून है। ये गुलाब सरा का कबूतर है, बहुत मस्त है। इसकी मादी भी सेम ऐसी होंगी? हाँ ओके, सेम वैसे बने गुलाब सरे। ये उसके पट्टे गुलाब सरे। ये उसके पट्टे गुलाब सरे पट्टे, बहुत मस्त है। बड़े होके वैसे बनेंगे पूरे। हाँ सेम, ये नस्ल में कोई मिलावट नहीं है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनके लाल खतंग बच्चे निकल गए? लाल खतंग बच्चे कभी बने गए इनके? नहीं, कैसे बनेंगे वो तो अगर उसमें ब्रीड में मिक्सअप होगा। हाँ तो निकलेंगे इधर उधर। अगर प्योरिटी में चल रही है तो ना कलर बदलेगा, ना आग बदलेगी, ना कुछ बदलेगा, ना कुछ बदलेगा, ना स्ट्रक्चर बदलेगा। हमेशा ऐसे बच्चे बनते उसके। वो जो मैंने जो अभी नर दिखाया, हाँ ये उसकी माँ है। अच्छा ये देखो, इसकी भी सेम वैसी चाहते। हाँ वैसे ही है, ये माँ है उसकी। फैंसी कबूतर का भी शौक है लगता आपको? अभी अब तो पूरे खत्म हो गए। हाँ, पहले बहुत थे, अब तो ये दो चार ही बचे हुए। ये उड़ते के मोड़ी ना? उड़ते के मोड़ी ना? मैंने उड़ते नहीं है। अच्छा, वो ऐसे है कि तो दिन भर बाहर ही घूमते रहते जंगलियों के साथ। हाँ ओके, तो जंगली जैसे हो गए ये सब। अपने जीरो बच्चे हैं, ये दो बार निकला है ना? ये उड़ते ही है, वो जो लाल वाला ना, ये फैंसी में आते ना? गोले है, पिलाने हैं, लेकिन वो हम उनसे बच्चे नहीं पिलाते, उनके खुद के बच्चे पिलाते। यहाँ पेटी पोते के आसपास में कबूतरों की? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। यहाँ बाहर की नजर ज्यादा दिख रही, पूरे बाहर की। अरे दोस्तों ऊपर बैठे जंगली कबूतर दिखे, मोडीना जंगली। ये पाकिस्तानी गोल्डन, इसकी आंख में अलग ही चील है, अंडे जैसा। ये पाकिस्तानी गोल्डन है, ओरिजिनल गोल्डन कबूतर है। हल्की सी काली चोंच है ना सामने से? नहीं वो मोमनी चोंच है ना। इसके पर, ये पर है, तीन पर अलग ही इसके। हाँ तीन पर अलग ही इसके। ये इसके इधर की पर है, मोमनी चोंच में। और गोल्डन नाखून भी ना, गोल्डन ही उसके। ये वो है ना चोंच का? हाँ चोंच के कलर के इसके। ये ना रहे, इसकी मादी भी सेम इसी? हाँ सेम मादी है। पकड़ भी नहीं आते हैं जल्दी? बॉर्डर वाला कबूतर, ये डब वाला है, ओरिजिनल डब वाला। ये है डब वाला कबूतर? हाँ ये डब वाला है। इसके तिल आँख में, तिल के ऊपर एक तिल है। हाँ अलग ही तिल दिख रहा है। बिल्कुल बारीक, देखो ना धूप में ये। हाँ ये वाली आँख से देख, ये सारी आँख इधर है। हाँ। बिल्कुल बारीक तिल, साफ पुतली का कबूतर, बिल्कुल साफ उसका कबूतर। पर देखो पर क्या है, बंधे हुए हैं, मादी पट्टी है। अच्छा, मैं हमेशा जैसे बोलता ना कि नौवीं दसवीं मादियों में 80% जो नर मादी पहचानी जाती है ना। हाँ। उसमें 80% मादियां जो है उनके नौवीं और दसवीं कली जो होगी वो बराबरी पे आएगी। ये दो पर सेम होंगे इधर? हाँ सेम होंगे, तो वो समझ जाना मादी पट्टी है। वाइब्रेशन देखो। हाँ वाइब्रेशन अच्छा है। ये वाइब्रेशन कर रही है। हाँ ये देखो वाइब्रेशन, जामुनी पंजे। ये कौन सा? गोल्डन। देखिए मोमिया चोंच है और अलग ही इसके आगे आँख में अलग ही रिंग दिख रही है इसके। इसके पर देखो, देखो ये नर है। अच्छा तो देखो। हाँ इसकी दसवीं गली छोटी है।
हाँ। मैंने अभी मादी दिखाई थी, उसकी नौवीं दसवीं बराबर थी। हाँ। ये देखो ये बड़ी है। हाँ, ये नौवीं कली इसकी बड़ी है और बिल्कुल मुलायम पर। हाँ। हमेशा जब जोड़े डाले जाते हैं ना तो जोड़े ऐसे ही डालना चाहिए, मतलब पर जो, हाँ, जो मादी है ना उसके नौवीं दसवीं कली क्या चलते रहे बरोबी वाली डालो। अच्छा। और इसके क्या चलते रहे ऐसे डालो, बच्चे बहुत प्यारे निकलते हैं। ये हमारे कासनी, ये सब राजस्थानी कासनी है। ये देखो ये राजस्थानी कासनी, आंख भी कासनी कलर की, देखो पलक भी ऐसी कासनी। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, कासनी कलर के, पूरा प्योर कासनी। ये काई में के? ये घर के बच्चे अपने, ये कल्चरों में से देखो है, बच्चे की आंख साफ आंख हो गई और तिल, और अभी और वो करेगा बारीक। अभी ये छह कली का बच्चा है। हाँ, तीन पर बच्चे, छह सात कली का बच्चा है, निकाल रहा है कली। हाँ। ये पूरी सफेद करेगा ऐसी, ये इधर के काले थे। हाँ, ये पूरे सफेद कर लेगा। हाँ। ये ऐसे निकल आएंगे इसके, पूरी भी झड़ के सफेद आ रही है ना। हाँ, पूरी सफेद आ जाएगी, ये भी हो जाएगा। ये राजस्थान के टोक वाली नस्ल, ये बाजरे बोलते ना। अच्छा। ये है, ये देखो आँख का शौक कर, देखो आँख आँख में अलग ही रहेंगे इसके। हाँ, देखो ना ब्लू कलर रहेगा है ना। ये ओरिजिनल कबूतर है, टोक वाले कबूतर है। अच्छा। इनके बच्चों का 100 नहीं 200% रिजल्ट है। लगता है ब्रीडर जोड़े आपके आगे ना। हाँ, ब्रीडर है। इसलिए सब पर पूरे ऐसे गंदे हो गए, पर तो गंदे इसके। हाँ, इसलिए ये इसके पंजे, ये देखो लाल पंजे का कबूतर। हाँ। इसके बच्चे फिर भी कितने घंटे उड़ते? ये इसके बच्चे क्या चलते रहे अगर सही तरीके से उड़ाए जाए तो भरे 41-42 के टेम्परेचर, 3-3.5 तो आराम से उड़ जाए। आपने उड़ाए इसके बच्चे अपने घर पे? हाँ, मेरे यहाँ पे नहीं उड़े, पर जिसको दिया था उससे उसने खबर भेजी कि कल तक दिया, 3-3.5 बजे तक उड़े। और इसको अपन एक बच्चे को देके दिखाते हैं, माँ बाप खिलाए या ना खिलाए मगर आप खिला दीजिए। हाँ, मैं तो कोई तैयारी नहीं करता हूँ, तो खिलाने लाने। ये देखो पहले पानी भरे इसके अंदर में, फिर गेहूँ बता दे। गेहूँ बाजरा अभी खिलाना नहीं। और ये एक बार में काम खत्म, पूरा कुछ भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं। और बच्चे का पोटा उसका बढ़िया देखो फुल हो गया। हाँ, वाह, बहुत सही चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत से कबूतर हैं, मगर सारे कबूतर का आपको मैं शॉप नहीं करा सकता। अगर मैं सारे कबूतर का आपको शॉप करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आज की वीडियो को मेंटेन करते। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।